पिछले दिनों सभा में हुए बहस में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे भाषण में कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि कोरोना काल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, राज्य सरकार ने सिर्फ कोरोना बढ़ाने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा, जिसे लेकर कांग्रेस भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष रशीद ताहिर मोमिन की अगुवाई में कांग्रेस कार्यालय के सामने मोदी विरोधी नारेबाजी कर उनका पोस्टर जलाया गया। साथ ही प्रांत कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर नरेंद्र मोदी से माफी मांगने की बात कही गई। इस अवसर पर भिवंडी कांग्रेस अध्यक्ष रशीद ताहिर मोमिन, पूर्व सांसद सुरेश टावरे, रेहाना अंसारी, महाराष्ट्र प्रदेश सहकार अध्यक्ष एडवोकेट शुभांगी शेरेकर, कांग्रेस नेता जावेद फारूकी, नगर सेवक अरुण राउत, वसीम अंसारी, बलवीर सिंह वालिया, जईम बनारसी, अनंता पाटिल, इंटक के सलाम शेख सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। जो भी बोलना है सोच समझ के बोलना चाहिए, ठीक है ना। आपने जो बोला है वो गलत बोला है। महाराष्ट्र के ऊपर आपका जो इल्जाम है बहुत गलत है, हम इसका निषेध करते हैं। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मैं आप लोगों को आज ये प्रोग्राम हमारे महाराष्ट्र के ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इल्जाम लगाया है कि महाराष्ट्र से कोरोना आया है, तो मैं सभी भिवंडी वासियों को और महाराष्ट्र के वासियों को ये बताना चाहता हूँ और नरेंद्र मोदी जी को ये आपके चैनल और भिवंडी शहर से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी, अगर कोरोना सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी थी, अगर आप चाहते तो हमारा देश में कोरोना नहीं आता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपको अमेरिका का ट्रंप कह रहा था, उसकी जरूरत थी, इसलिए आपने लॉकडाउन दिसंबर के बजाय 24 मार्च को लगाया, जिसकी वजह से कोरोना पूरे देश में फैला है। मोदी सरकार अगर हमारे देश के खिलाफ, हमारे राहुल जी के खिलाफ, हमारे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हमारे महाराष्ट्र के खिलाफ और ये हमारा शहर शिवाजी महाराज का शहर है, ये शहर शिवाजी महाराज का शहर है, इसके खिलाफ एक शब्द मोदी जी बोलोगे तो आज मोदी जी बोला जा रहा है, कल मोदी जी नहीं बोला जाएगा आपको। प्रधान ने परसों 3 दिन पहले जो है लोकसभा में और उसके बाद राज्यसभा में जो 90 मिनट का भाषण दिया, लोग को आशा थी राष्ट्र महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए, देश देख रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी के पंत प्रधान, देश के पंत प्रधान अपनी उपलब्धि गिनाएंगे, जो इन्होंने इस देश में आज 6-7 साल 8 साल में जो किया है वो बताएंगे, लेकिन इनका पूरा भाषण ये सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस और कांग्रेस कर रहे थे, ये देश ने देख लिया और एक बात साबित हो गई कि कांग्रेस से ही इनको डर है। लॉकडाउन नहीं लगाया, राहुल गांधी जी नवंबर से बोल रहे थे कि लॉकडाउन लगाना जरूरी है, कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला है, बाहर बहुत तेजी से फैल चुका है, बाहर एक एक कंट्री में 1 लाख 2 लाख 3 3 लाख रोज केसेस हो रहे हैं, लेकिन पंत प्रधान ने राजनीति खेलते हुए मध्य प्रदेश की सब चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए एक पागल जो अमेरिका में बैठा था उसको यहाँ बुलाकर जो है उसका जो उसको जो है उसका सत्कार करने के लिए एयरपोर्ट बंद नहीं किया और कोरोना जो है हमारे देश में फैला है। लेकिन आज का आंदोलन हम साफ साफ कहते हैं कि महाराष्ट्र की जनता जो है इसको बर्दाश्त। किस प्रकार का आंदोलन किया गया, क्या किया गया आंदोलन जो है ना, अमीर खपून गेनार नहीं क्लियर अमीर बोल, किस प्रकार का आंदोलन किया गया? आंदोलन हमने यहाँ पर मोदी सरकार के खिलाफ नारा लगाया है, हमारी सरकार यहाँ महाविकास आघाड़ी की सरकार है, हम सरकार को तकलीफ में नहीं लाना चाहते, हम जो है हम पूर्ण आंदोलन किए और पूर्ण आंदोलन के तहत हम अभी एक निवेदन ले